कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फायदेमंद है जिन लोगों के बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, और मेरे भी जो कर्ड हेयर्स हैं तो काफ़ी ड्राइनेस मेरे बालों में रहती है। तो आप जो ना नहाकर जब आएँ तो हल्के हल्के गीले बालों में जो ना इसको आप अप्लाई कर लें। अच्छा मैं बाल नहीं दिखाती, इसलिए अभी बात भी नहाया है तो मैं इबाद के बालों पर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ किस तरीके से करते हैं। देखिए इसको आपने ना बिल्कुल हल्का सा आपको लेना है, बहुत कम सा, और ये इतना कोई लाइट वेट है बिल्कुल पता भी नहीं चलता। जब आप इसको अप्लाई करते हैं जैसे कि लिमोन का सीरम आता है ना इस तरीके से, जिस तरह सीरम्स होते हैं, तो इसको बस आपने किया और खुशबू इसकी इतनी कोई ज़बरदस्त है, बिल्कुल प्योर कोकोनट जैसी, और आपने जो ना हल्के हल्के गीले बालों में इसको बस ऐसे कर लिया। तो इसको लगाने के बाद आपके बालों में शाइनिंग भी आ जाती है, आपके बाल मजबूत भी होते हैं, क्योंकि कोकोनट आपको पता है कि वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत इतना आप खा रहे हो ना कोकोनट तो खाते हैं तो आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं चिल्टन प्योर के कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम को, तो चिल्टन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोर्स आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है।